दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी हम किसी कंपनी की बिना स्टॉक आइटम क्रिएट किए हुए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट किस प्रकार रेडी करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई ऐसी कंपनी की अकाउंट्स तैयार करने पड़े, वो कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो अपने बुक्स में स्टॉक आइटम को भी मेंटेन नहीं रखना चाहती, यानी कि उनको स्टॉक आइटम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने सप्लायर्स है या चाहे उनके कस्टमर है उनके जो अकाउंट्स है, उनके जो क्लोजिंग बैलेंस है, उनको वो बिल्कुल एक्यूरेट रखना चाहते हैं, लेकिन उनको स्टॉक मेंटेन नहीं करना। तो इस प्रकार की कंपनी की हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली में किस प्रकार तैयार करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद हमें कौन कौन से फीचर्स को इनेबल या फिर डिसेबल करने पड़ेंगे, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। भी अगर हमारी कंपनी के पास अगर कुछ टैक्सेबल यानी कि जीएसटी लगे हुए इनवॉइस हमारे पास आएंगे तो उसकी परचेज वाउचर में हम एंट्री किस प्रकार करेंगे, और या फिर अगर हम हमारे कस्टमर को जो सेल इनवॉइस इशू करेंगे उसकी एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट भी है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ में ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर में मैंने राम एंड कंपनी क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब उसके बाद में मैंने कोई किसी भी टाइप का ना तो कोई लेजर क्रिएट किया है और न ही कोई वाउचर की एंट्री करी है। तो जो वाउचर की एंट्री कर रही है और टैली में हमें कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद कौन से फीचर को हमें डिसेबल करना है वो सबसे पहले हम जानेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों राम एंड कंपनी हमारी कंपनी है, लेकिन हम हमारी कंपनी में स्टॉक आइटम हमें नहीं क्रिएट करने, यानी कि स्टॉक हमें बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करना, लेकिन हमारे जो सप्लायर्स हैं उनके लेजर या हमारे जो कस्टमर के लेजर हैं वो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे और उनकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास ये परचेज का इनवॉइस आया है श्री बालाजी ट्रेडर्स से, और हमारी कंपनी राम एंड कंपनी है ही, तो इस प्रकार का इनवॉइस हमारे पास आया। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर तीन आइटम लिए, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी। अब आइटम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैंने सैंपल के तौर पे ये तीन आइटम मैंने क्रिएट कर लिए, तो और इसके इनवॉइस में हमारे पास ये सब कुछ है जो जीएसटी है, जीएसटी सब कुछ टैक्स मतलब लग के आया है, तो हमें तो न तो हमारी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और हमें स्टॉक आइटम भी क्रिएट नहीं करनी है, तो हमें इसकी परचेज वाउचर की एंट्री किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते ही हमें जो इन्वेंट्री का जो फीचर्स है उसे हमें नो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम शॉर्टकट F11 प्रेस करेंगे, और F11 प्रेस करने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा इन्वेंट्री भी मेंटेन्स इन्वेंट्री, तो इस फीचर्स को हमें नो कर देना है क्योंकि हमें इन्वेंट्री का कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस फीचर्स को कर देंगे यहाँ पर नो। और उसके बाद में हमें जीएसटी, हमें हमारी कंपनी है जो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो जीएसटी भी हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको भी हम नो कर देंगे। टीडीएस है या फिर टीसीएस है, इनका भी कोई लेना देना नहीं है, इन सभी को हम फीचर्स को कर देंगे यहाँ पे नो, और कंट्रोल एक के साथ विंडो को कर देंगे एक्सेप्ट। अब उसके बाद में हम जाएंगे वाउचर पर, हम वाउचर पर जाके भी हम शॉर्टकट लेजर क्रिएट कर सकते हैं या हम पहले भी इसके लेजर है जो क्रिएट करके रख सकते हैं। अब जैसे कि हमारा सप्लायर है, सप्लायर के लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि हमारा सप्लायर है श्री बालाजी ट्रेडर्स। तो आपने देखा जैसे ही हमने स्टॉक आइटम जो इन्वेंट्री मेंटेनेंस है उसको हमने नो किया है, तो आपने जो स्टॉक आइटम की जो विंडो है वो वहाँ पे इन्वेंट्री से संबंधित जो भी फीचर्स पहले आते हैं वो सारे के सारे यहाँ से हट गए हैं। तो हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं बालाजी ट्रेडर्स के नाम से, और ये हमारे लिए सप्लायर्स हैं तो हम इनको रखेंगे अंडर में सैलरी क्रेडिटर्स, और मेंटेन बिल बाय बिल आप रखना चाहो तो रख सकते हो, उसके बाद में एड्रेस ये सारे प्रॉपर डिटेल। तो ये हमने लेजर क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद में हम जाएंगे वाउचर पर, और उसके बाद में हम हमारा जो वाउचर की जो सीरीज है परचेज की उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाएंगे, और हम परचेज वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे, और जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है इसको हम यहाँ से कर देंगे मैनुअल, और डुप्लीकेट पेमेंट्स को हम कर देंगे यस, ताकि हमारा डुप्लीकेट नंबर है जो एक्सेप्ट ना करे। उसके बाद में हम वाउचर पे जाएंगे, और परचेज वाउचर के लिए हम F9 यूज़ करेंगे, और F9 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें इनवॉइस नंबर देना पड़ेगा 1451 नंबर, और डेट हमारे पास जैसे कि 25 जुलाई 2021 है, F2 से हम चेंज कर लेंगे 25/7, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर भी हम इनवॉइस नंबर पोस्ट कर देंगे, और यहाँ पर बालाजी ट्रेडर्स का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अब स्टॉक आइटम हमेशा हम यहाँ पर डालते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम ऊपर आ नहीं रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा रहा है, तो अब इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा परचेज का, एल्ट सी के साथ यहाँ पर हम लिख देंगे
गुड्स परचेज या ओनली आप परचेज भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आपके पास नहीं तो कोई टैक्स फ्री 5 जीएसटी 18 12 वाला तो कोई लफड़ा ही नहीं है। सिंपल आप परचेज का लेजर आप बना सकते हो गुड्स परचेज, और अंडर में हम इसको रखेंगे परचेज काउंट के, और एंटर प्रेस करते हुए इसको वाउचर को इसका जो कॉस्ट मेथड है इसको हम नो कर देंगे कॉस्ट सेंटर को। अब उसके बाद में यहाँ पर अब हमारे पास जो परचेज इनवॉइस आया है और इसकी इनवॉइस की जो वैल्यू वो इनवॉली हमें यहाँ पर पोस्ट करनी है 48,085 रुपये का, तो 48,085 रुपये कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को कर देंगे सेव। अगर इस इनवॉइस से संबंधित अगर कोई नरेशन हमें लिखना तो हम लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल है या फिर इस गुड्स से संबंधित कोई डिटेल है तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी परचेज वाउचर की एंट्री होगी। अब जैसा कि हमारे पास एक सेल इनवॉइस भी है, अब ये सेल इनवॉइस हमने सुदेश कुमार कस्टमर है हमारा उसको हमने इशू किया है, इनवॉइस नंबर 1 है। तो अब इसमें भी हमने आइटम ए और आइटम बी यानी कि जो मैनुअल इनवॉइस है उसमें हमने सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हमें बुक्स में यानी कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स में जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर हमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखना भी डिटेल्स हमने कौन से आइटम कितना परचेज किया है कौन सा आइटम कितना सेल किया, लेकिन हमें नेट अमाउंट से मतलब है। तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे, सेल वाउचर में जाएंगे FATU हम यूज करेंगे, एक नंबर इनवॉइस आई और अब यहाँ पर एल्ट सी के साथ हम हमारे कस्टमर का लेजर हम बना लेंगे सुदेश कुमार के नाम से, और ये हमारा कस्टमर है इसको हम सेंडरी डेबिटर्स में रखेंगे, और एंटर प्रेस करते हुए हम चाहे तो इसकी एड्रेस डिटेल वगैरह सारी फिलअप कर सकते हैं। अब उसके बाद में पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पर एक नया लेजर हम क्रिएट कर लेंगे गुड सेल का, गुड सेल, और अंडर में इसको रखेंगे हम सेल काउंट के, और अब यहाँ पर जो वैल्यू है इस सेल इनवॉइस की एक नंबर इनवॉइस की जैसे कि आप देख रहे हो 13,520 रुपये। अब ये आप ये मान के चलो ये जो इनवॉइस हमारे पास है ये एक मैनुअल इनवॉइस है, क्योंकि मैनुअल इनवॉइस में जब भी कस्टमर हमारे से इनवॉइस मांगे तो उसमें सब कुछ स्टॉक आइटम की डिटेल वगैरह हमें देनी जरूरी होती है, लेकिन हम कंप्यूटराइज्ड बुक्स इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम अगर हमारी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह हम प्रॉपरली फाइल करें तो हमें पता चलता रहे भी हमारे बिजनेस से हमें ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उसी के बेस पे हमें ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, हमें स्टॉक आइटम से कोई लेना देना नहीं है, हम जो स्टॉक आइटम है वो हम एक तरीके से एस्टिमेटेड भी रख सकते हैं। तो 13,520 रुपये की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे और एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को भी सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एक परचेज की एंट्री और एक सेल वाउचर की एंट्री कर दी है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट देखते हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट देखोगे एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करते हैं, तो अब हमें इतना पता चल रहा है भी हमारी कंपनी में 48,085 रुपये की परचेज हुई है और ये 13,520 रुपये की जो है टोटल सेल हुई है। तो अभी इसके अंदर आपको जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो अभी शो नहीं होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको तभी शो होती है अगर आपने इन्वेंट्री मेंटेन करी हो, तो यानी कि स्टॉक आइटम आपने क्रिएट करी हुई है कौन सी आइटम कितनी परचेज हुई है कौन सी कितनी सेल कर दी, तो उसी बेस के ऊपर ये टेली सॉफ्टवेयर स्टॉक आइटम की कैलकुलेशन करता है। लेकिन अब हमने इस कंपनी में स्टॉक आइटम तो क्रिएट किए नहीं है, हमें केवल परचेज कितनी करी है और सेल कितनी करी है उतना ही हमें पता है, लेकिन हम चाहे तो इसके क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो हम एस्टिमेटेड रखते हुए हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें हमारे जो सप्लायर्स हैं हमारी कंपनी के या हमारे जो डेप्टर्स हैं उसका जो लेजर्स है वो हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग मेंटेन होता रहेगा। अब जैसे कि हम जो हमारा सप्लायर्स है बालाजी ट्रेडर्स, अगर इसका हम लेजर देखना चाहें तो इसका लेजर देखने के लिए डिस्प्ले पर हम जाएंगे और अकाउंट्स बुक पर जाएंगे लेजर पर जाएंगे और उसके बाद में बालाजी ट्रेडर्स। तो अभी आप देख रहे हो बालाजी ट्रेडर्स का लेजर आपके पास मेंटेन हो गया है। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा है अभी 48,085 रुपये क्रेडिट साइड का इनका बैलेंस आ रहा है, लेकिन जब इस पे एंटर मारेंगे तो स्टॉक आइटम हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हमें केवल बैलेंस ही मेंटेन करने हैं सप्लायर्स के। तो इस तरीके की कंपनी ज़्यादातर जो छोटे दुकानदार होते हैं जिनको केवल परचेज और सेल से ही मतलब है स्टॉक से मतलब नहीं होता, तो उस टाइप की कंपनी की हमें अकाउंटिंग इस प्रकार मेंटेन करनी होती है, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं भी हमारे सप्लायर्स और डेप्टर्स के कस्टमर हमारे बुक्स के साथ मेंटेन करते रहे, वहाँ पर हमारे से कोई गलती न हो जाए। हालांकि उनके पास मैनुअल एक लेजर बुक होता है वहाँ पर भी उनका सब कुछ जो हिसाब किताब है मेंटेन रहता है, तो वो चाहते भी हमारा मैनुअल के साथ साथ कंप्यूटराइड भी हिसाब है जो मेंटेन होता रहे। तो इसी पर्पज से वो स्टॉक आइटम को क्रिएट नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टॉक आइटम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि वो प्रॉपरली सेल इनवॉइस सही तरीके से करते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इनवॉइस है जो कस्टमर लेके भी नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो स्टॉक मेंटेन करना काफ़ी इम्पॉसिबल काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपके बुक्स में कुछ और बोलेगा फिजिकली कॉस्ट और बोलेगा।
तो इसलिए वो चाहते हैं कि केवल हमें कस्टमर का जो इन्वॉइस है उसकी नेट वैल्यू ही हम इन्वॉइस में डाल दें सॉफ्टवेयर में, और कस्टमर हमारे से क्या लेके गया हुआ है उसका रिकॉर्ड हमारे पास मैनुअल जो इन्वॉइस है उसमें सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, जैसे कि आइटम ए बी हमारे परचेज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी आइटम बना लिए, तो वो सब कुछ मैनुअल इन्वॉइस में मेंटेन होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में हमें केवल उनकी इन्वॉइस की वैल्यू ही हमें पता करनी है। अब जैसे कि सुदेश कुमार का हम लेजर देखेंगे तो सुदेश कुमार के लेजर में भी आप देख रहे हो डेबिट साइड में 13,520 रुपये इसकी डेबिट साइड की वैल्यू आ रही है, बस हमें इतना ही मेंटेन करना है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक देके जरूर जाना। वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें ये कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर आपका कोई सजेशंस आपके कोई क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सेशन की मतलब जो भी आपकी क्वेरी है उसका रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।